मुंबई के चेंबूर वार्ड नंबर 154 से एनसीपी के उम्मीदवार विजय भोसले ने चुनाव के लिए पर्चा भरा। विजय भोसले पूरे मुंबई के ऐसे पहले कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस बार के चुनाव प्रत्याशी के रूप में सबसे पहले पर्चा भरा। पर्चा भरने के बाद विजय भोसले ने कहा कि मैं जनता के लिए काम करूंगा और जनता की सभी समस्याओं को दूर करने हेतु प्रयासशील रहूंगा। आज जो मैंने फॉर्म भरा है मेरे लाइफ का, ये एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट इन द सेंस, ये फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में ऐसा लगा कि मैं आज कुछ तो मेरे को मिल गया और मैंने एक अचीवमेंट ज़्यादा करके मुझे इतना खुशी है कि अभी बोलने में भी मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन ये सब भगवान की देन है और माता रानी माता वैष्णो देवी की देन है मेरे लिए। और मैं कहूँगा कि आने वाले समय में जो रिजल्ट आएगा 23 तारीख को ज़रूर मेरे फेवर में आएगा। ज़्यादा करके जो गटर के और जो टॉयलेट के लोगों के जो बहुत बड़ी समस्या है ये वार्ड में, मैंने पूरे वार्ड में घूम चुका और देखा कि इतनी हालत ख़राब है कि इतनी मतलब पब्लिक जनता परेशान है पानी से, और आज की डेट में तो पानी भी ऐसा आ रहा है जिसके अंदर मिट्टी मिक्स आ रही है, तो काफ़ी लोगों को टाइफाइड मलेरिया ये सब बीमारी से भी जूझना पड़ रहा है, जिसके लिए मैं ज़रूर टारगेट करूँगा बीएमसी के साथ में कि ये जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। नक्कीच, या ठिकाणी विजय भोसले यांचा पहिला अर्ज आलेला आहे, त्यांच्या नावात विजय आहे आणि हा पहिला फॉर्म या ठिकाणी सादर झालेला आहे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे। निश्चित मानाने सांगेल की या मुंबई शहराच्या 227 जागापैकी पहिला विजय हा विजय भोसलेंचा असणार, एवढं ठामपणे मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो।